बरदा थाना क्षेत्र के नरवे गांव में हुए मर्डर का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि अखिलेश गौतम का मर्डर सगे भाई अरविंद कुमार गौतम ने ही कर दिया था। हिरासत में लेकर पूछताछ हुई तो उसने कबूल भी किया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। तलाशी में उसके घर से ही घटना में प्रयुक्त रिवाल्वर और कारतूस भी बरामद हो गए। रविवार को पुलिस लाइन कैंपस में मीडिया के सामने इस हत्याकांड का खुलासा एसपी सिटी सुभाष चंद गंगवार ने किया। उन्होंने बताया कि अखिलेश छोटा भाई था। उसने वर्ष 2015 में दूसरे जाति की प्रेमिका से कोर्ट मैरिज कर लिया था। बड़ा भाई अरविंद गौतम इसी से नाराज था। कई बार विवाद हुआ। वैसे तो दोनों भाई दिल्ली में रह रहे थे, लेकिन हाल ही में अरविंद बरदा के पैतृक गांव नरवे में आया। यहां छोटे भाई को भी बुलाया। उसी शादी के विवाद में बात इतनी बिगड़ी कि सगे भाई की हत्या ही कर दी। 27/10/17 को बरदा थाने में एक नरवे गांव पड़ता है, वहां पे अखिलेश गौतम नाम के एक व्यक्ति की हत्या की गई थी। हत्या का समय लगभग 7:30 बजे था, लेकिन पुलिस को सूचना 9:30 बजे मिली है, जो उसके भाई द्वारा अरविंद गौतम द्वारा सूचना दी गई थी। जब वो उसके गोली लगी है, अरविंद उसको लेकर सीधे यहाँ अस्पताल आजमगढ़ लेके आए हैं। उसके बाद उनके द्वारा सूचना दी गई कि दो व्यक्तियों द्वारा उसके भाई की हत्या कर दी गई है। इस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया था दो लोगों के अज्ञात के खिलाफ। जब जांच की गई, छानबीन की गई, तो उसमें तथ्य संज्ञान में आए, साक्ष्य संज्ञान में आए, और उसमें उसका जो बड़ा भाई अरविंद गौतम है वही हत्या उसी के द्वारा की गई थी, ये सारे साक्ष्य उसमें मिले। उसने पूरी बात कबूली। अरविंद का ये कहना है कि उसके छोटे भाई अखिलेश ने एक लड़की से लव मैरिज कर ली थी 2015 में, और दोनों सजाती ना होने की वजह से दोनों परिवार में विवाद था। ये लोग इसी चक्कर में दोनों भाई दिल्ली से यहाँ आए थे, और बाद में समझाने के बाद अरविंद का ये कहना है अखिलेश नहीं माना, तब मैंने सुबह 7:30 बजे हत्या कर दी। और जो रिवाल्वर बरामद हुई है, ये फैक्ट्री मेड रिवाल्वर है। ये रिवाल्वर इसके द्वारा बताई जा रही है कि हम अपने दोस्त भूपेंद्र की रिवाल्वर है, उसको लेके आए हैं। साथ में 29 कारतूस भी मिले हैं, खोके भी मिले हैं, और इस घटना का अनावरण 24 घंटे के अंदर बरदा थाने ने किया है। बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की, वह भी बड़े सुनियोजित ढंग से। सोचा था किसी को शक नहीं होगा, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में कई ऐसे पहलू सामने आ गए जिससे हत्यारे के रूप में उसका चेहरा बेनकाब हो गया। नहीं, ये अकेला था। ये दिल्ली से जब आया था तो दो गनर भी इसके साथ थे और इसका ड्राइवर भी था। अरविंद ने 7 बजे सभी लोगों को नाश्ता लेने के लिए भेज दिया था, और 7:30 बजे जो वहां सफाई का काम कर रहा था सफाई वाला, उसको भी घर से रवाना कर दिया था। जब वो अकेला बचा, उसके 5 ही मिनट बाद उसने फायर मारे हैं, और पूरे के पूरे 6 कारतूस उसने मार दिए हैं। और उसके बाद जो शोर मचाने लगा कि दो लोग उसको गोली मार के चले गए हैं, क्योंकि दिन का समय था, आसपास लोग काम भी कर रहे थे, खेत भी था, घर भी थे। जब उन लोगों से पूछताछ की गई तो बताया गया कि इधर किसी भी व्यक्ति को देखा नहीं गया, बाहरी किसी व्यक्ति को नहीं देखा गया। तो हम लोग की शक की सुई इसके भाई पे गई, और फिर हम लोग ने जब पूछताछ करी तो उसने अपना जुर्म कबूला और सारा असलाह कारतूस और खोके सब। नगरपालिका चुनाव में अध्यक्ष व सभासदी के नामांकन की प्रक्रिया रविवार से शुरू हो गई। हालांकि पहले दिन केवल पर्चे बिके ही। नगरपालिका आजमगढ़ व नगरपालिका मुबारकपुर में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कलेक्ट्रेट कार्यालय से नामांकन पत्र खरीदेंगे और यहीं पर पर्चा दाखिला होगा। रविवार को चाक चौबंद व्यवस्था के लिए यहां पर फोर्स तैनात रही। एडीएमएफआर और रिटर्निंग अफसर के रूप में तैनात बीके गुप्ता ने बताया कि सुव्यवस्थित ढंग से चुनावी प्रक्रिया चल रही है। दोपहर तक 7 उम्मीदवारों ने कुल 9 पर्चे लिए थे। नामांकन अभी नहीं हुआ है।
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है, चुनावी प्रक्रिया बेहतर ढंग से संपन्न कराई जाएगी। आजमगढ़ के लिए आरओ नियुक्त हूं अध्यक्ष पद के लिए, और अध्यक्ष पद के लिए अभी तक 7 व्यक्तियों ने 9 फार्म हमारे यहां से क्रय किए हैं। अभी समय 2:32 हो रहा है, इतने समय तक कुल 7 व्यक्तियों ने 9 फार्म क्रय किए हैं। अभी कोई नामिनेशन दाखिल नहीं हुआ है, और नामांकन के लिए कोई ये फार्म की बिक्री हो रही है, जो व्यक्ति अपना नामांकन लेंगे, नामांकन पत्र लेंगे, उसका मूल्य दे करके नामांकन पत्र ले जाएंगे। इसके अलावा उन्हें जरिए चालान अपना वो जमा करना होगा, जमानत राशि SBI में, और इसके अलावा फोर्स लगी है, शांति व्यवस्था रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गांजे का अवैध कारोबार करने वाले आजकल नागालैंड से खेप लाकर पूर्वांचल के कई जिलों में सप्लाई कर रहे हैं। पुलिस को इनपुट मिला तो तत्काल अतरौलिया थाने के हैदरपुर गांव में छापेमारी की गई। यहां एक मकान में छुपा कर रखा गया 64 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ और मौके से मोहम्मद अयूब पुत्र अली हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 6 लाख रूपये बताई गई है। SPCT सुभाष चंद गंगवार ने रविवार को मीडिया कर्मियों से हुई बातचीत में इस सफलता की जानकारी दी। बताया कि आजमगढ़ से लगायत मऊ, बलिया, गोरखपुर और बस्ती जिलों तक नागालैंड का अवैध गांजा सप्लाई किया जा रहा था। यह भी पता चला कि अवैध कारोबारी आजमगढ़ के कुछ स्थानों पर गांजे का भंडारण भी कर रहे हैं। सटीक सूचना पर CO बुढ़नपुर श्याम नारायण, अतरौलिया के प्रभारी इंस्पेक्टर शिशिर त्रिवेदी ने क्षेत्र के हैदरपुर गांव में छापा मारा। हैदरपुर गांव में मोहम्मद अयूब रहते हैं। एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि इनके पास बड़ी मात्रा में गांजा है। उस मुखबिरी की सूचना पे अतरौलिया पुलिस गई थी और उसके घर पे छापा मार के गांजा बरामद किया है, जो लगभग 64 किलो है। इसके साथ 2 लोग और थे जो भाग गए हैं, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही सुनिश्चित की जाएगी। ये इसका बेचने का काम तो यही रहता है, लेकिन जो ये लाया था ये नागालैंड से लाना बताया है कि ये नागालैंड से लाया है। ये लगभग 6 लाख कीमत का गांजा है। SPCT का कहना था कि मोहम्मद अयूब से पूछताछ में पता चला कि कप्तानगंज थाने के बड़का चौरवा गांव निवासी अरविंद यादव ही नागालैंड से गांजा लाता है। अभी वह फरार है, जल्द ही पुलिस उसे भी गिरफ्तार करेगी। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में रविवार को पूर्वांचल पत्रकार सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिला मुख्यालय पर आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन ADM प्रशासन लवकुश त्रिपाठी और काशी विद्यापीठ वाराणसी में पूर्व निदेशक पत्रकारिता संस्थान डॉ राममोहन पाठक ने दीप प्रज्वलन से किया। तमाम ग्रामीण पत्रकारों बुद्धिजीवियों की मौजूदगी में हुआ यह सम्मेलन कई मायने में खास रहा। तमाम असुविधा और संसाधनों की कमी के बावजूद पत्रकारिता जगत में निष्ठापूर्वक समाज तक खबरें पहुंचाने वाले पत्रकारों को संस्था की ओर से अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार मिश्र व अन्य पदाधिकारियों ने सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में युवा पत्रकार रत्न प्रकाश त्रिपाठी, सचिन श्रीवास्तव, वेदेंद्र शर्मा, गौरव श्रीवास्तव, प्रमोद यादव, वेद प्रकाश सिंह लल्ला सहित कई पत्रकार शामिल रहे। सम्मेलन में वक्ताओं ने भारतीय पत्रकारिता के आरंभ से लगायत आज के परिवेश पर चर्चा की। कहा कि आज तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद पत्रकार समाज के चौथे स्तंभ के रूप में मजबूती से काम कर रहे हैं। बतौर अतिथि ADM प्रशासन लवकुश त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय पत्रकारिता का स्वर्णिम इतिहास रहा है। आज के पत्रकारों का दायित्व है कि वे उस गरिमा और गौरव को बनाए रखें। हम लोग तमाम वर्षों तक पराधीन होने के बाद जागरूक हुए
जिसमें पत्रकारिता का जनता को जागरूक करने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत स्वार्थपूर्ण ढंग से देश के सभी संसाधनों को अपने देश में ले जाकर यहां का चूषण और शोषण करती थी। उसकी असलियत जानकर कि वो जनहितकारी नहीं है, हम सभी उस दौर के उस पत्रकारों पत्रकार पत्रकारिता का वहां पे अस्तित्व हुआ, जो जागरूक व्यक्तित्व थे, महान व्यक्तित्व थे, उन्होंने पत्रकारिता के स्तर पे अपने मोर्चे खोले, जिनमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, भारतेंदु हरिशम, ये नाम प्रमुख हैं, और इन लोगों ने अपने माध्यमों से जनता को राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूक किया। और भी बड़े व्यक्तित्व हैं। एक आदर्श था, एक सहूलियत ये थी उस दौर में कि हमारा देश परतंत्र था, और जागरूक होने के बाद न केवल राष्ट्रीय लोगों को, सभी जनता को, बुद्धिजीवियों को, समाज के सभी प्रबुद्ध वर्गों को ये स्पष्टता कि हमें करना क्या है। जैसे आजाद जी ने कहा था कि मिले खुश्क रोटी जो आजाद होकर, तो वो भी गुलामी के हरवे से बेहतर। रविवार को करतारपुर बाईपास स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में अवेयरनेस ऑफ पास्को एक्ट विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें किशोर वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ चर्चा हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के प्रबंधक एवं निदेशिका ने विद्यालय के प्रधानाचार्य और कार्यशाला के प्रशिक्षक के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला के प्रशिक्षक डीपीएस स्कूल वाराणसी के प्रधानाचार्य एवं सीबीएसई पैनल के सदस्य मुकेश शेरट ने अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ आज के इस वैश्विक परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने के नए नए तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार हम अपने बच्चों को आज के संवेदनशील वातावरण में अच्छे बुरे स्पर्शों का ज्ञान कराएं तथा अपने बच्चों को आज के आधुनिक परिवेश में परंपरावादी सोच और तकनीकी से इतर रखते हुए आधुनिक तकनीकियों एवं नए नए विचारों से परिचय कराएं। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य विधान तिवारी ने उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और कहा कि यह अभिभावकों एवं विद्यालय तथा आजमगढ़ जिले के लिए गौरव का विषय है कि इस प्रकार की कार्यशाला शहर में पहली बार आयोजित की गई। शंकर नगर मुंडा स्थित बीवीएस इंटर कॉलेज में रविवार को विज्ञान प्रदर्शनी के साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी भी सजी, तो खूबसूरत रंगोलियों व मेहंदियां भी सजाई गई। जी हां, इन सभी कार्यक्रमों में विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करते हुए अपनी प्रतिभा से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यालय में सजी प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में प्रभुनारायण पांडे प्रेमी उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रबंधक अरविंद पाठक व प्रधानाचार्य नीलम श्रीवास्तव के साथ उन्होंने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने ग्लोबल वार्मिंग, ज्वालामुखी, सोलर सिस्टम, नगरीकरण, पर्यावरण प्रदूषण, स्वच्छता, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, परिवहन, संचार, डिजिटल व तकनीकी समाधान, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, मिसाइल सहित विभिन्न मॉडलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी।
वहीं रंगोली प्रतियोगिता में बच्चों ने कई आकर्षक रंगोलियां बनाई, उनके जरिए संदेश भी दिया। बेटी बचाओगे तभी तो दुल्हन पाओगे का मार्मिक संदेश उन्होंने दिया, तो अनेकता में एकता वाले भारत की विशेषता भी रंगोली के जरिए परिलक्षित की। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य नीलम श्रीवास्तव ने विद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बच्चों के प्रयासों की सराहना की। बच्चों के सहयोग और टीचर के सहयोग से आज एग्जीबिशन का प्रोग्राम किया गया है, जैसा कि नाम है प्रदर्शनी। तो बच्चों ने साइंस के लिए अनेक प्रोजेक्ट बनाए हैं, उन्होंने साइंस के प्रोजेक्ट के द्वारा समाज को संदेश दिया है कि कैसे पॉल्यूशन को बचाया जाए। बढ़ती जनसंख्या तो बढ़ी रही है, लेकिन उससे नदी, जल, हवा सब प्रदूषित हो रहे हैं, तो उस प्रदूषण को किस प्रकार से रोका जाए, ऐसा हमारे बच्चों ने अच्छा खासा साइंस में संदेश दिया है। और जल की कमियां होती जा रही हैं, जल को कैसे संरक्षित किया जाए उसको बताए हैं बच्चे अपने प्रयोग के द्वारा। हार्ट में आजकल अनेक प्रॉब्लम आ रही है, तो हार्ट में कैसे ब्लड जाता है, कैसे निकलता है, हार्ट को सुरक्षित कैसे किया जाए, ये सब बच्चे साइंस के द्वारा बताए हैं। और ये भी है कि स्कूल से ही बच्चे वैज्ञानिक बनते हैं और अनेक अधिकारी, डीएम अनेक अधिकारी बनते हैं, तो ये सब देखते हुए लग रहा है कि बच्चों के अंदर काफी क्वालिटी है जो टीचर के सहयोग से बताएं। फिर इन प्रदर्शनी में मेहंदी का बच्चे बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइनों में मेहंदी बनाए हैं और अपने अपने हाथों पे लगाए हैं, दूसरों पे लगाए हैं, बहुत ही खूबसूरत मेहंदी बनाए। बच्चों ने रंगोली इतना खूबसूरत बनाया है, इन्होंने भारत का नक्शा बना करके उस नक्शे में एक संदेश दिया है कि हम सभी एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई हैं, ऐसा उन्होंने नक्शे में प्रदर्शित किया। यकीनन अनुभव यही कहता है कि जिस लकड़ी में जहां गांठ होती है वहां वह जल्दी नहीं कटा करती। देखा जाए तो कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं जिनमें पड़ी गांठ जल्दी नहीं खुलती। इस रविवार ऐसे ही कुछ मामलों से दो चार हुआ प्रोजेक्ट नई किरण। गांठें ढीली करने में तो वह सफल रहा, लेकिन अभी उन्हें खोल न सका, जिसके चलते इस रविवार उसके हाथ को इस सफलता नहीं लगी। आपको बता दें कि इस रविवार प्रोजेक्ट में कुल 16 मामले सुनवाई के लिए रखे गए थे, जिनमें 11 मामलों में एक पक्ष की अनुपस्थिति के चलते महज 5 मामले ही सुने जा सके। इन 5 मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद भी कोई बात नहीं बन सकी। रहीमन फिर कोई के सूत्रवाद को अपनाते हुए टीम ने इन सभी मामलों में अब अगली तिथि मुकर्रर की है। लोगों के घरों में उजाला करने वाले अपनी जिंदगी को रोशन करने के लिए शनिवार को कैंडल लेकर निकल पड़े। जी हां, वर्षों से लंबित पड़ी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को विद्युत सहायकों ने विरोध स्वरूप कैंडल मार्च निकाला। कार्यालय सहायक का ग्रेड पे बढ़ाए जाने, प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किए जाने सहित अपनी 5 सूत्री मांगे पूरी किए जाने को लेकर दबाव बना रहे विद्युत कर्मियों ने 30 अक्टूबर को लखनऊ में बुद्धि शुद्धि यज्ञ करने का भी निर्णय लिया है। कैंडल मार्च के दौरान मुख्य अभियंता को विद्युत कार्यालय सहायक संघ ने अपना ज्ञापन सौंपते हुए मांगों पर विचार किए जाने और उपेक्षात्मक रवैये को दूर किए जाने की मांग की। कार्यालय सहायक विगत कई समस्याओं से जूझ रहा है, जैसा कि हम लोग की प्रमुख मांगे हैं कि हम लोग का जो ग्रेड पे है उसे 42 कर दिया जाए, जिसके बारे में प्रबंधन अभी भी कुछ विचार नहीं कर रहा है। आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन आश्वासन देने के बावजूद भी कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ
हम लोग के प्रमोशन में काफी मतलब उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया जाता है। इसके लिए भी केंद्रीय अधिष्ठान के लिए भी ये मांगे उठाई जा रही है हमारे से। अब हमारे जो सीनियर साथी हैं उनको 4200 दे के 6600 रूपये उनका बना दिया गया है, लेकिन उनके साथ ही समकक्ष जो साथी हैं उनको उसी 6 पे में विसंगति कर दी गई है। इसी विसंगति को लेके हमारे निरंतर कार्य सहायक साथी निरंतर प्रयासरत रहे। बाप बेटों ने मामूली बात पर 65 वर्षीय वृद्ध पर तेजाब से हमला कर उसे बुरी तरह से झुलसा दिया है। किसी तरह वृद्ध की आंखें बच गई, लेकिन शरीर के पीछे का हिस्सा बुरी तरह से जल गया है। मामला बिलरियागंज थाना क्षेत्र के गांव इस्माइलपुर गोरिया का है। परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वृद्ध को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। असहनीय पीड़ा सह रहे बुजुर्ग विश्राम मौर्य ने बताया कि रासाब की नीम की डाल किसी और ने काट गिरा दी थी। ये गिरी डाल से दातून तोड़ रहे थे। बाप बेटे ने इन्हें पकड़कर बुरी तरह से मारा पीटा और उन पर तेजाब से हमला कर फरार हो गए। हम साहब अपना घर पर था, वहाँ वो लोग बाप बेटा दोनों, क्या नाम है उनका, सुनील सोनू राय और कमलेश राय, दोनों एकाएक आकर के हमको पकड़ करके मारने लगे। हम गिर गए, उसके बाद ऐसे फेंक करके भाग गए। क्या विवाद था, क्यों फेंकी? विवाद सब एक नीम का पेड़ का डाल का विवाद था। वही हम काटा भी नहीं था, दूसरा आदमी काटा था, हम नहीं काटा था। दतवन उससे निकाल करके और जो बचा था वो रख रहे थे, बस आकर के बोले तुम क्यों कटवाए, हम बोला भाई हम क्यों काटेंगे, और पकड़ करके दोनों आदमी आपने गिर गए।